प्रस्तुत कथन मुकुंद पंड्या रचित चुनी काका की जीवन गाथा से प्रेरित है। चुनी काका का जन्म 2 सितंबर 1918 में संडेर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी भाई भगवानदास वैद्य था और माता जी का नाम मणि बहन। पिताजी बहुत ही प्रतिभाशाली वैद्य थे। नवसारी स्थित इस परिवार में मेहनत और कसरत का खूब आग्रह था। चुनी काका बतलाते हैं कि बचपन में वे बेहद कमजोर हुआ करते थे, परंतु कसरत से ही उन्होंने खुद को मजबूत किया। चुनी काका को बहुत जल्द ही एहसास हो गया था कि अगर वे जीवन में अपने लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो निजी रिश्तों से अलग होना होगा, पर आज उन्होंने अपनी प्रीति से एक विशाल परिवार बना लिया है। प्राथमिक से लेकर मैट्रिक तक का शिक्षण नवसारी में हुआ। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने से उन्होंने शिक्षण वहीं रोक दिया और सूरत शहर के म्यूनिसिपल ब्यूरो में नौकरी ढूंढ ली। इसी दौरान देश में क्रांति का माहौल था। नौकरी के साथ साथ आंदोलन में जुड़ गए। गुप्त पत्रिकाओं का प्रकाशन, अन्य भूगर्भ प्रक्रिया जारी थी, परंतु यह ज्यादा दिन गुप्त न रह सकी। स्वराज प्राप्ति की इच्छा के चलते काका ने नौकरी और परिवार की चिंता छोड़ दी। इस दौरान इनकी मुलाकात बारडोली स्थित छगनलाल बोरा से हुई। दोनों ने लगभग 6-8 महीने कई गाँव का सफर किया, फिर सूरत शहर लौटकर उसी ब्यूरो में नौकरी पर लग गए। पर गुजरे 6 महीनों में उनकी मानसिकता में बेहद तब्दीली आ गई थी। अब चुनी काका से किसी भी प्रकार की ऊंच नीच बर्दाश्त न होती। मतभेद बढ़ गए। काउंस की तालीम ली और बेलगाम स्थित एक पारसी सज्जन के यहाँ टैनरी में अकाउंट्स की नौकरी पर लग गए। तकरीबन 5 साल वह खूब मेहनत करते रहे। उनके मालिक उनसे बेहद खुश थे और चुनी भाई को सारी सुविधाएं उपलब्ध करती थी। छगनलाल बोरा भी कुछ वक्त के लिए उनके साथ जुड़ गए, पर बेहतर नौकरी की तलाश में कलिकट चले गए और उन्होंने चुनी काका को भी वहीं अपने पास बुला लिया। गांधीवादी श्री लक्ष्मीदास आशर के सुपुत्र पृथ्वीराज आशर का कलिकट में व्यवसाय था। अपने मालिक की इच्छा के विरुद्ध चुनी भाई वहां छगनलाल बोरा के साथ चले गए। वहां उनकी भेंट प्रबोध चौकसी, शिवलाल जी, दातार भाई आदि से हुई। इन सब का आशय नौकरी था, परंतु गांधी विचारों से प्रभावित थे। कुछ वक्त बाद चुनिका का गुजरात लौटे और मणुन की एक पाठशाला में गणित पढ़ाने लगे। आगे चलकर हेडमास्टर भी बने। दूसरी ओर उन्हें साहित्य में रुचि होने से उन्होंने लेख कथाएं लिखना शुरू किया, जिनमें से कुछ प्रकाशित भी हुई और गांव वालों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। पर यह ज्यादा दिन नहीं चल सका। इंस्पेक्शन स्क्वाड ने बार बार काका से BA/MA पास करने को अनुरोध किया। हेडमास्टर अगर क्वालिफाइड न हो तो ग्रांट नहीं दी जाएगी। काका के पास इतना वक्त नहीं था। उन्होंने नौकरी त्यागने का निर्णय ले लिया। यह समय था 1947-48 का। देश को आजादी मिल गई थी और गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। चुनी काका को अब मानो दिल्ली बुला रही थी। दिल्ली जाकर गांधी जी के 33,000 पत्रों में से 60 ढूंढ के उसका पंजीकरण करना, यह काका की जिम्मेदारी थी। काका ने गांधी जी की आत्मकथा बचपन में पढ़ी थी, पर इन पत्रों द्वारा उन्होंने गांधी को समझा। गुजरात के पहले जीवनदानी दिल्ली में रहते हुए काका ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। विनोबा भावे जी की भूदान पदयात्रा, उनके विचार और प्रवचनों को तेजी से अखबारों में छपवाया। इससे नारायण देसाई की भूदान पदयात्रा को खूब लाभ हुआ। उसके बाद चुनी काका और प्रबोध भाई अहमदाबाद आ गए, जहां उन्होंने गांधी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। सर्वोदय आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर भूदान के लिए जीवनदान का संकल्प लेने वाले पहले गुजराती बने। पर आंदोलनों में उनका इतना ज्यादा वक्त देना अन्य कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। तब चुनी काका यह नौकरी छोड़कर
वडोदरा में भूमिपुत्र पत्रिका से जुड़ गए। भूमिपुत्र की लोकप्रियता खूब बढ़ गई। काका दिन के 16 से 22 घंटे उसी काम में जुटे रहे। छगनलाल बोरा भी उनके साथ जुड़ गए, परंतु इस दौरान प्रबोध भाई और नारायण जी के साथ मतभेद खड़े हो गए। आखिर चुनी काका विनोबा जी से सलाह लेने कश्मीर की ओर निकले, गुवाहाटी वाया काशी। विनोबा जी ने काका को सर्व सेवा संघ के मुख्यालय काशी जाकर प्रकाशन संभालने को कहा। गुजरात की पदयात्रा का सारा काम पूर्ण करके चुनिका का काशी पहुंचे। वहां उन्होंने राधा कृष्ण बजाज के साथ मिलकर सारा कार्य संभाला। वहां भूदान की भी एक पत्रिका का समावेश हुआ। काका की लोकप्रियता बढ़ती गई, पर यहां भी संघ के कार्यकर्ताओं के बीच अनेक मुद्दों पर मतभेद हुए। काका का मन खिन्न हो गया। उन्होंने काशी को भी राम राम कहा। राधा कृष्ण बजाज जी की सलाह से गुवाहाटी को रवाना हुए। विनोबा जी की अगली यात्रा असम में ही थी और वहां साहित्य प्रसार प्रचार का मजबूत होना बहुत आवश्यक था। सन 1961 वहां इनकी मुलाकात हुई असम के मुख्य प्रधान बिमला प्रसाद चलिहा से, जो स्वयं गांधी विनोबा भक्त थे। कि हर ग्राम पंचायत के लिए काका के प्रकाशित किताबें खरीदी जाएंगी, पर असम में प्रकाशन नहीं हो पाने से काका को कलकत्ता जाना पड़ा। विनोबा जी के आने से पहले उनका साहित्य गांव गांव पहुंच चुका था। चुनी काका ने असम में ही प्रकाशन की व्यवस्था भी कर ली। खुद क्या प्रकाशित कर रहे हैं ये जानने के लिए उन्होंने असमिया भाषा भी सीख ली। यहां भी पैसों के कारण अनबन होने लगे, तब काका ने असम छोड़ने का इरादा जताया। विनोबा जी नहीं चाहते थे। वाद विवाद हुए। चुनी काका और विनोबा जी के बीच शब्दाचार होना बंद हो गया। यह था सन 1962, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया।